चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे हो चेहरा ये बदल जाएगा। नमस्कार, ऑनलाइन म्यूजिक क्लासेस के फर्स्ट लेसन में आप सभी का दिल से स्वागत है। मैं विनीता तिवारी, मैं आप सबके लिए संगीत से जुड़ी बहुत छोटी छोटी और बहुत विशेष जानकारियां लेकर बहुत सरल तरीके से आप सबके सामने उपस्थित हूँ। संगीत क्या है? संगीत बहुत कुछ सुन और पढ़ रखा होगा आप सबने। जन्म से लेकर मृत्यु तक हर क्षण में है संगीत। दुख शोक आनंद उल्लास हर रस से भरा है संगीत। संगीत तो हृदय की भाषा है जिसके अधीन संपूर्ण विश्व है। संसार का सबसे महान संचार का साधन क्या है? जी हाँ, संगीत। भले ही हम गाने वाले की भाषा को ना समझ पाए, लेकिन उसके संगीत को सुनकर हम उसके भावों को अच्छे से समझ जाते हैं। उदाहरण के लिए मैं कुछ सुनाती हूँ। सुना आपने? इस गीत में कोई शब्द नहीं था। मेरे भावों को देखकर क्या लगा? जी हाँ, ये लोरी ही थी जो एक माँ अपने बच्चे को सुलाने के लिए गाती है। अब दूसरे अर्थों में बताऊं तो स्वर, ताल, शुद्ध आचरण, हाव भाव और शुद्ध मुद्रा के साथ जो गाया जाए वही संगीत है। मतलब गीत, वाद्य तथा नृत्य, इन तीनों को जब एक साथ स्वर तथा लय के आधार पर शामिल किया जाए तो उसे संगीत कहते हैं। ये गीत, वाद, नृत्य मतलब गाना, बजाना और नाचना, डांस। यह वह ललित कला है जिसमें स्वर, लय, ताल के द्वारा हम अपने भावों को प्रकट करते हैं, मतलब इमोशंस को व्यक्त करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक चित्रकार पेंसिल और कागज के द्वारा अपने भावों को व्यक्त करता है। आपको पता है, संगीत का संबंध तो देवी देवताओं से भी जोड़ा गया है। कहते हैं कि सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती को संगीत की शिक्षा दी, और सरस्वती जी ने नारद जी को, और नारद ने भरत को, भरत ने नाट्य शास्त्र के द्वारा जन जन तक संगीत को, संगीत का प्रचार प्रसार किया। अब प्रश्न यह उठता है कि संगीत होता कितने प्रकार का है? तो सुनिए, संगीत को तीन भागों में बांटा गया है। पहला शास्त्रीय संगीत, दूसरा उपशास्त्रीय संगीत और तीसरा सुगम संगीत। शास्त्रीय संगीत क्या है? यह भारतीय संगीत का अभिन्न अंग है। यह ध्वनि प्रधान होता है, शब्द प्रधान नहीं होता। मतलब इसमें ध्वनि का ज्यादा महत्व होता है। इसके उतार चढ़ाव, इसकी साधना को वही समझ सकता है जिसके कान इसको सुनने के आदि हों। आम तौर पर ज्यादातर लोग ऊब जाते हैं इसको सुनकर, पर उनके ऊबने का कारण उस संगीतज्ञ की कमजोरी नहीं, बल्कि लोगों में जानकारी की कमी है। बहुत से लोगों को मैंने कहते सुना है कि शास्त्रीय संगीत में भाव का महत्व नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? शास्त्रीय संगीत के हर राग में समय निर्धारण क्यों होता है?
हर एक राग एक अलग रस को क्यों दर्शाता है? जैसे उदासी में सुना गया राग मारवा दुख को और गहरा कर देता है, लेकिन वही राग बहार सुने तो आनंद दो गुना बढ़ जाता है। सुबह की शुरुआत राग भैरव से। जागो मोहन प्यारे, जागो मोहन प्यारे, सांवरी सूरत मोरे मन भावे, सांवरी सूरत मोरे मन भावे, सुंदर श्याम हमारे, जागो मोहन प्यारे, जागो मोहन प्यारे। और सांझ राग यमन से। जब दीप जले जब सांझ ढले आना, जब दीप जले आना, जब सांझ ढले आना, संकेत मिलन के भूल न जाना, मेरा प्यार न बिसरा, जब सांझ ढले। सुना आपने? अब बारी आती है उपशास्त्रीय संगीत की। उपशास्त्रीय संगीत मतलब शास्त्रीय संगीत का लघु छोटा रूप। यह शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत का मिश्रण होता है, जैसे होरी, कजरी, टप्पा और ठुमरी। ठुमरी वो गुलाम अली जी की फेमस ठुमरी सुना है ना आपने? याद पिया की आए हाय राम, याद पिया की आए, ये बिरहा सहना जा, याद पिया याद पिया की आए। हाँ, अब बारी आती है सुगम संगीत की। यह सुगम संगीत लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध है, लोकप्रिय है और सरलता से गाया बजाया जा सकता है, जैसे भजन, भारतीय फिल्मी गीत, गजल, पॉप संगीत और लोक संगीत। मैं एक भजन का उदाहरण देती हूँ। कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार, कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार, मोहे चाकर समझ निहार, चाकर समझ निहार, कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार, कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार। हाँ, तो आज के लेसन में क्या क्या जाना आपने? संगीत क्या है, इसकी परिभाषा, संगीत के विभिन्न भागों को विस्तृत सुना। आगे और भी बहुत कुछ है। आपके प्यारे सहयोग और आपका प्यारा कमेंट्स मुझे बहुत प्रोत्साहन देता है। आप अपना साथ ऐसे ही बनाए रखिए।
संगीत से जुड़ी और भी जानकारियां लेकर मिलती हूं मैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और हाँ, मुझे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।